आज की तरह बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। 500 रुपए अंगूठा लगवा लिया, उसे 450 रुपए दिए। नहीं ओका दई पाचो तो देखो बुलाए के दई नहीं है, नहीं उठा लगवा रहे लगवा ले रहा नहीं दी तो ई का। हां पैसे रख भी चुका था लेकिन हम दई देन में का जरूर। आओ अंदर चलते हैं, बैठ करके उसको चार पे बस करेंगे, शराब पिएंगे, उसके बाद चौपाल दोबारा ज्वाइन करेंगे। साहब ये मनोहर मंजन हो रहा है, मोखड़ी के मनोहर मंजन हो रहा है कि मनोरंजन हो रहा है? मनोरंजन हो रहा है सर। यानी मनोरंजन हो रहा है? जी सर। तुम यहाँ के हक और चौकीदार हैं सर। कितने दिन से यहाँ ड्यूटी करता? चौकीदारी? जी चौकीदारी करते करते हमें 90 साल हो गए हैं। उम्र कितनी है तेरी? चौकीदार बने उम्र कितनी है रे? ओ साहब हमारी उम्र तो 25 साल की। यानी ड्यूटी करते करते तुझे 90 साल हो गए हैं? हाँ साहब। और उम्र को 25 साल बोलता है? जी। इसका मतलब क्या हुआ रे? सर मतलब ये है पहले चौकीदारी हमारे पिताजी करते थे। यानी पहले चौकीदारी आपके पिताजी करते? हाँ साहब। अब उनको क्या हो गया है? अब उनका सीधा ही नहीं होती। क्या नहीं सीध होता है? करिहाओ साहब कमर का नाम पहले होना चाहिए भोकड़ी में। तो साहब हमारी नौकरी और हमारे पिताजी की नौकरी मिला करके 90 साल हुए हैं। इसीलिए उम्र को 25 साल बोलते हैं। हाँ साहब। के साहब एक बात कहिया रहे ना। क्या कहना चाहता है? नहीं कही पर रहा देव चौकीदार तुम्हें मालूम होना चाहिए पुलिस स्टाफ की बात स्टाफ पे भी कही जा सकती है। के साहब जी वैसे माल तुम्हारो बड़ी है। हमारे माल को भोतड़ी तुमने कैसे देखा है? ओ बताओ ते कैसे देखा। अरे वही तो थाने कहीं आवाज जावा करती रहे। थाने को तो आया जाए करती। वही तो हमका खूब ही जनती है साहब। जी हम अभी अभी दबिश को भेजे गए थे। जी उधर से वापस आ रहे थे, कुछ हमारे मूड में बात आ गई कि आज हम साहब के वहाँ होकर के निकलेंगे। क्या हमारे वहाँ? हाँ साहब हम आपके यार मकान नहीं जानित रहे लेकिन तुम्हारे गांव में होकर निकल पड़े। तुम्हारे हुआ साहिबाइन 5-6 मेहरुअन के बीचों बीच हम ठाड़ ही रहे, हमका देख ली तो हमका पहचाने लगी, हमका पहचाने लगी तो हमका पहचान गई। क्या हुआ? जान गई कि चौकी दरोई है। हमका देख ली तो इशारा करने लगी। इशारा नहीं बुलाने लगी होंगी रे? हाँ साहब हमका बुलावे लगी, हमका बुलावे लगी, हम जैसे पहुँचन तसे मार देहन साहब। क्या रे मार दे? सलूट। सलूट का नाम पहले होना चाहिए। काय लगी चौकीदार? खुश रहो चौकीदार। ये बताओ तुम्हारी चौकीदारी का क्या हाल चाल है? हम कहे लागे साहिबाइन आप लोगन का आशीर्वाद है। साहेब तुम्हारे हुआ साहिबाइन पूरा सामान लगौती है। औरतों का श्रृंगार होता है। हाँ साहेब साहेब खूब ही सब श्रृंगार कर रहे हैं। कुछ हमारे दिल में इच्छा आ गई कि तुम्हारे हुआ गए हैं तो तुम्हारे विषय में कुछ मालूम कर ले। क्या हमारे विषय में? हाँ साहेब। यारी हमारे विषय में क्या मालूम करने लगा रे? साहेब तुम्हारे विषय में यह पूछे लगे, तुम्हारे विषय में यह पूछे लगे तो हमका डांटे लगे। अबे रोते की हो? रोवत कौन भोजड़ी के? हाँ साहेब तुम्हारे विषय में पूछे लगे तो हमका डांटे लगे। काहे लगे चौकीदार चुप ना लायक कहीं के? साहब का नाम हमारे सामने मत लिया करो। ये क्यों? हम कहन का है साहिबाइन काहे लगे चौकीदार तुम्हें नहीं मालूम है कि जो मेरे साहब हैं 6-6 महीने 7-7 महीने हो जाते हैं क्वार्टर के ऊपर नहीं आते हैं। तो हम कहे लगे ना ही आवते हैं तो हम का करिए? तो हंसाई लगी कहे लगी चौकीदार तुम मौका निकारी के बाबा करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए है?
ये कोई बनिया भक्खार की नौकरी नहीं है, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। आज के बाद अगर हमारे मकान की तरफ देख लिया तो हम तुम्हारी माँ चोद देंगे वो दुड़ी। देखिए तुम्हें मालूम होना चाहिए थाने में कुर्सिया लाइन से होना चाहिए। अच्छा साहब, आज हमारे एसपी साहब थाने में आ रहे हैं जी, ड्यूटी बहुत सख्त होना चाहिए। अच्छा साहब, चलो गेट की ड्यूटी करो, कुर्सिया लाइन से होना चाहिए। चलो भाई, कम हर मारू अरे कम हर मारो कमहर का होते हो जा रही या कुछ नहीं हम जाते सब साला कमार इसको नहीं पता यहाँ तो ये थाने में है। क्या नाम है तुम्हारा? थाने के हेड गार्ड सिविल है। नाम श्री रामनाथ हेड कांस्टेबल श्री रामनाथ जी। श्री रामनाथ एक बात बताओगे? बात सब बताइए। कितना पढ़ा है तनिका ना? इसका मतलब गमार गमार भोगड़ी कौन कह रहा है? आगे बढ़ो। मैं पूछ रहा कितना पढ़ाया रहे तू? 14 चौदह साल। 14 किसरा 14 बोला जाता है 14 नहीं 14 अगर पढ़ा नहीं है तो ये वर्दी कैसे डाउन किया रे? यानी आप ये जानना चाहते हैं पढ़े नहीं तो ना ये वर्दी कहाँ से पा गए? साहब हमारा पौवा वजन है। पौवा कितना वजन है? कितना वजन है रे? हाँ बताओ तेरी पप्पा हमारे जो है साहब जिला अधिकारी है। इसका मतलब डीएम है। आगे बढ़ो सर। इसका मतलब डीएम सीखने कोशिश करेगा मादर चौक। अगर ये बता तेरे पप्पा जिला अधिकारी डीएम है अगर पढ़ा रहे हैं ये वर्दी चयन किया है ट्रेनिंग वक्त में क्या हुआ था? साहब ट्रेनिंग भी नहीं करना पड़ा हमें डायरेक्ट पोस्टिंग हो गई। कैसे हो? जब ट्रेनिंग का नंबर आया था तो हमारे जो फुफा है वो मेडिकल वगैरह लगाया था। मेडिकल जो भी शख्स बीमार हो दर्द होती हो बुखार आता हो मेडिकल चले जाओ दवा लाओ। तुम्हारे फूफा कहाँ तैनात इस समय? नखलाऊ में है। आने जाने में समय कितना लगता है? आने जाने में 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे लगते हैं। यस। जब तक वहाँ से आएंगे तब तक तुम्हारी माँ चौद अपने फुफा की धमकी मुझे देता है। वो अगर डीएम है तो मैं भी कोई अधिकारी ये कौन कहता तू बहुत गवर्नमेंट का नौकर नहीं? चल इधर आ। और कोई यहाँ थाने में नहीं रे? हाँ सर सब। कौन है? सुखैया चौकीदार है और दीवान जी भी है। आए सामने दीवान जी कहाँ?
सिवान जी तुम्हारा क्या नाम है? शुक्ला। शुक्ला, कितने देर से यहाँ ड्यूटी करते हो थाने? हम अभी भी आए हैं। राइफल को जमा कर दो। पीके तिवारी बोला था, पोके बोला था भौसिक। उरे आगे बढ़ो, यहाँ उरे इधर आ, मैं कहता हूँ भौसिक। अभी भी आया है नया दीवान, इसको कही तरीका से बताते हो भौसिक? बताए तो बहुत भौसिक, समझ में नहीं। इसको जमा करवाओ। जमा करी भोसड़ी का चिल है ही नहीं। आगे बढ़ो दीवान। इसका बताओ, तुम नए नए आए हो और मेरे दिमाग से वाकिफ नहीं। मैं बहुत बार चौदह इंसान हूँ, जो भी कोई हरकत करता है हम उसकी बात करते हैं। चलो दीवान की बहुत है, दीवान हो मादक चो। माता तो हरकत की, चौकी बनाओ, बुलाओ बहुत। चौकीदार तुमने कुछ जाना या नहीं जाना रे? के ये है बड़े वाले साहब। बड़े वाले साहब यही अच्छी साहब है रे। बड़े वाले हैं लेकिन मरकहा बहुत है। अरे बहुत खुखार है रे। बुखार हुई इनके? बहुत साले हम कह रहे हैं खुखार साहब हैं। अच्छा, हम कहीं बताए बहुत बुखार हुई इनके। ले साहब पिलो। कौन है रे तू? चौकीदार है इधर, चौखैया चौकीदार उर्फ निर्बंशी। निर्बंशी भोसड़ी बोला जाता है कि बोला जाता है राजवंशी? हाँ वह है। सरकार ने तुझे क्या क्या मुहैया करवाया है, क्या क्या दिया है? चौकीदार हो जी सर। सरकार ने तुमको क्या क्या दिया है? साहब एक साइकिल मिली है। साइकिल मिली। एक लाठी मिली है। लाठी मिली। एक दांत मिली। साफा मिला है। साफा मिला। लठिया कहाँ है? लठिया साहब यहाँ कहाँ है? बहुत अच्छी है लठिया तुम्हारे पास। टूट गए हैं साहब, दूसरी अब लेंगे। टार्च तुम्हारी कहाँ? टार्च साइकिल में टांगी। साइकिल कहाँ है? पीछे खड़ी है साहब। साफा कहाँ है? साफा ये होते ये साफा। हाँ शहर में लोग कहाँ खड़े हो? सकल देखते हो भौसड़ी हमारी। एक बात बता, तो 14 साल से भौसड़ी इसी में माँ चौदार है और चौकीदार को साफा देखो कैसे डाले ऐसे ही डाला। सही करो भौसड़ी, साफा सही करो, तुम्हारी माँ चौदार है। साहब साफा ना पेटी को तो हम मतलब है, साफा नहीं है। चलो अभी भी साफा दे। बने भौसड़े के जोकड़ घूम रहे का है बताओ? ये साफा किस प्रकार से पड़ा है रे? साफा नीचे पड़ा है। ये नीचे भौसड़े के पड़ा है? साफा साफा की तरीके से होना चाहिए। ये गलत पड़ा और का सही पड़ा है रे? साहब बताओ तो गलत जी फौरन सही करो। गलत है तो हम सही करें। साफा भौसड़ी की डाल लिया, अब डाल लेना ठीक है। है जैसे भौसड़ी की लड़कियां रुपट्टा डाल देती है उस प्रकार से भौसड़ी की डाल लिया। अब हुई गलत बना। हाँ तो हम तुम्हें बोलते हैं साफा किस प्रकार से पड़ता है, थाने में उसी प्रकार से साफा डाल के आओ करो। बताओ भाई साफा साफा की तरीके से होना चाहिए, साफा इस प्रकार से होना चाहिए। यह पहली भावरी हो भावर पर नहीं क्या? फेंटा ही बताओ तो कभी फेंटा है? ये साफा डालता है फेंटा है तो नहीं मार। चलो बहुत चलो बोल न देते तो अब है इनका हम ब्याह ही ले रहे हैं।
बहुत बहुत शादी करने में हिचकी थी रे, सन 2020 की फाइल उठा गया। चौकीदार साहब का ऑर्डर तुम्हें सुनाई पड़ा है? नहीं रे, कहा बताइए। सन 2020 की फाइल चाहिए। यू बताए दे जाए उनके, कह दे जाओ 18-20 फैलाए रहन वही भाई सूख नहीं हुई है। तुम कितने मादर चोद हो रहे तो निकल नहीं, वो फैलाने और सूखने वाला है। कहा बताओ, जीडी जानते हो? जीडी कहीं के जी जी, तुम भोंसड़ी के हमको वीजा ले पागल कर दोगे। हम पढ़े कहाँ हैं भोंसड़ी? इसीलिए तो तुम्हें जीडी और रजिस्टर के बारे फाइल विषय पता नहीं। हम कक्षा 2 तक पढ़े हैं ना, हम 2 दफे भोंसड़ी के फेल हैं। नयाला रजिस्टर जानते हो? हाँ। ला करके पेश करो साहेब। मैं कह रहा हूँ जी साहेब, अब हम बूझली ढंग से कहित रहे लो। अम्बाउस को मैं देखी नहीं लगी, अब दो दिन रह गए। ले ये क्या हो गया भोंसड़ी? इमान लकवा मारेगा, इसमें लकवा लगा है। हाँ सर, इलाज किया इसके? इलाज कराने के लिए सांडे का तेल लाए हैं। इस्तेमाल किया है साहेब? मौका नहीं पाए रहे तेल लगाए भरे। जब इस्तेमाल नहीं करो फायदा क्या होगा? ठीक साहब, अब की बात तेल लगाए कई बार। कितने दिन हो गए थाने में भोंसड़ी के? तुमको हमें एक दिन बताया भोंसड़ी के ये लकवा मार गया? 5 साल से परेशान है। 5 साल से परेशान है। काला कबूतर भोंसड़ी जानते हो? हाँ कबूतर जानते। काला कबूतर का रसा लगाइए और रसा खाइए, तुम्हारा लकवा ठीक हो जाएगा। अच्छा साहब, इतने दिन से 5 साल से इसके लकवा की बीमारी लगी, अभी तक दवा नहीं बताया, आज भोंसड़ी। आज डॉक्टर बने खड़े हुए मादर चौथ कहीं कहीं हड्डिया पसंद तोड़ डालूंगा। 5 साल से भोंसड़ी बताए नहीं, किसको गाली देता है? अपने आप को गरियाओ भोंसड़ी को। जो टके के नौकर भोसड़ी बराबरी करता है, क्या होगा ये पहले बता। मेरे बराबर चैन पर भोसड़ी बैठता, कुर्सी पे कुर्सी मेरे बराबर बैठता है तू? हम कुर्सी पर बैठ गए रहे और कहाँ बैठा था रे? हम कुर्सी पर बैठ गए रहे तो तुम भोसड़ी बताए ना? हम बैठ गए रहे भोसड़ी बताए ना बात? मैं भोसड़ी जब तू बैठा तुझे नहीं मालूम हूँ मैं कहाँ बैठ रहा हूँ? जान ना पाए, नहीं जान पाऊंगा इसको। उठा भोसड़ी, हम जो कहेंगे वही होगा। खोल इसको, ले उसे इधर आओ, ले उसे। इसमें क्या लिखा? हम पढ़े कहाँ? लिखा लिखा इसका मतलब साले थाने में सब साले गवार हैं। उठाओ खोल, अगर तू पढ़ा नहीं है तो इसमें तो क्या देखता है? यही मैं हम फोटो देखे थे। फोटो? हाँ। किसका रे? मेहरुआ ने। अगर औरतों का नाम लिया जुबास खींच लूंगा भोसड़ी की मादर चोर। लादर बड़ा भोसड़ी की जो फाइल का पन्ना पलट के देखता हूँ मान होना चाहिए कड़क सिंह और कड़क सिंह नजर आता है। मेरी बात सुनो, मेरी बात करो। कड़क सिंह मौजूद है
सिपाही, उसका पता निशान अभी तक कोई लगा नहीं पाया है, इतना बाकी बदमाश है। मेरी बात सुन, बताइए सर। तो डाकू कलचन कल कर के सामने, अच्छा सारे जज पुलिस के हुए कारे सुन चुका था फिर से, और हम उसे उसे उसने लूटा करोड़ों का। मैं समझ में आया हूँ, मेरी समझ में आता है बदमाश बागी है और पुलिस के हवाले नहीं होते हैं, अपने थाने में फोर्स कम है, फोर्स नहीं बहुत है, फोर्स कम, पुलिस फोर्स कम है। एक नए नए इंस्पेक्टर मालूम होना चाहिए, श्यावन नाम का लड़का है, वो तो पोस्टिंग पे अभी नहीं आया है, चलो उसके पास फोन लगाओ और थाने में हाजिर किया जाए। नंबर लगाओ, क्या बताओ साहब, बता रहे हैं जो नया नया पोस्टिंग में श्याम नाम का लड़का आया है उसके पास फोन लगाओ, एसपी साहब ने बात किया है, बहुत जल्द आने की कृपा करें। फोन ले लो, चार्जिंग में लगा है। क्या साहब, नंबर वहाँ है जो हमारे वहाँ डाल गया रहे, अरे वहाँ जो मोबाइल में का बताए रहे, हाँ ठीक होगा रे, और का डाल गया नहीं, तुम का बता दो डायल में डरवाए दे, तो वहाँ है 99-18 अभ्यपुर कफारा, तो गलत नंबर है। 99-18 ये नंबर है। 94-150-61-995 टुर्रुक 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 टुर्रुक। हेलो बप्पा उठाए ले, हाँ बप्पा हम चौकीदार बोल रहे हैं, का हाल चाल है घर का, ठीक है, दने बुआ की बात करा, आ दने बुआ का देव, हाँ बुआ हम बलौआ बोल रहे हैं, हाँ अरे तुम रोटी का है, हाँ अरे बुआ आए बप्पा मारे नहीं है, ये मारे तुम का भोसड़ी का है, अरे अरे यू कहा तुम बतौती हो, अब तुम का हुई रखी है नहीं, तुम रो भाव ना, तुम का हुई नहीं रखी है तो तुम का हम रखी बा। हेलो बुआ तनी चौकीदारी नहीं देव, कहाँ है लेटरिन है, मोबाइल पकड़ा ही देव, हाँ देव दनी पाई लागी घर आई थी, हाँ हाँ ठीक है, तुम ठीक हो, हाँ बहुत काम करती हो, काम धाम हिसाब है करे हो, जत्ते कपड़ा लगता गंदे हो जाए सब धरत जाए, हम लौट कई बात तो छठी बाय, हाँ लोग
घर की बात हो रही है। मेरी माँ जो तो हमने बताया जो पोस्टिंग पर सावन नाम का लड़का आया है कि भोसड़ी घर से बात कर रहे हो। इमा साहब कोई एक नंबर गड़बड़ हुआ। अले साहब तुम है अले नंबर में डाल दो। बहरे साले इतने तुम हरामी हो ना। चलो फौरन बात करो। टुर्रुक टुर्रुक। हेलो हेलो हैं सारे तुम कौन नहीं हो? अरे मास्टर चौथ मैं इंस्पेक्टर सामन बोल रहा हूं। ओ सर जय हिंद। मैं चौकीदार बोल रहा हूं। क्या बात है? आपको एसपी साहब बुला रहे हैं। ठीक है उनसे कहो मैं आ रहा हूं। ओके आ रहे हैं सर। लेकिन सर और मुझे किस लिए सर और बुलाया इंस्पेक्टर सावन मेरा फोन जाते जाते तुमने परेशान हो गए। लेकिन सर अचानक फोन गया है। हाँ सर खैर बतलाऊंगा। बोलिए सर पिछले बुलाया हूँ। हाँ कहिए सर। बहुत बागी बदमाश। क्या कहे सर? और अभी तक वो कोई भी पुलिस कर्मचारी आकर के मेरे हवाले नहीं कर सका। अरे डाकू कड़क सिंह। हाँ लिहाजा इसलिए तुमको बुलाया गया है। अगर से बात सर खड़क सिंह क्या उसका पाप हो? मैं उसे अरेस्ट करके लाऊंगा। लेकिन सर
कुर्बान। पुलिस वो चीज होती है और जो सच्चे पुलिस फार होते हैं अपने वर्दी या कानून की ख्याल रखते हैं तो अपना जान भी कुर्बान कर देते हैं। सर मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं जा रहा हूँ कि ये वर्दी मेरी शान है और ये वर्दी मेरी जान है, ये वर्दी मेरी मातृभूमि है। अगर ये इस वर्दी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरी इजाजत है, मैं भी कुछ काम से जाता हूँ और एक हफ्ते के अंदर अभी उसको पकड़ के तुमको लाना। हेलो, ये भाई साहब आए हैं, नीलू यहीं के निवासी हैं, 1 से 10 रुपए का भी उधार दिए हैं। चलो आज चंबल की तैयारी करो और अपनी गाड़ी निकालो, चंबल की तरफ चला जाएगा, देखता हूँ पुलिस कहाँ बच जाएगा। अगर ये बात है तो जाइए आप। सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि डाकू खड़क सिंह 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होगा। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं जरा लखनऊ जाता हूँ और एक हफ्ते के अंदर सारे पदमा जितने सब मेरे हवाले होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है सर। श्री राम दास शुक्ला जी, आप तो जानते हैं कि मैंने आज इस इलाके का नया नया चार संभाला है और आज से यहाँ की ड्यूटी करना हमारा और तुम्हारा फर्ज है। डाकू खड़क सिंह पुलिस के नाकों में दम कर रखा है, लेकिन मेरे सिपाहियों मैं वादा करता हूँ कि खड़क सिंह को 24 घंटे के अंदर सलाखों को पता चला। मैदान नहीं हुआ और जो सेना सिंह सर झुका दे सरदार जी जो मधुबनी चलता हूँ जमीन पर तो जमीन थरथराती है और हवा का रुख बदलता दरिया। सेना जी सरदार जी आ तो साला ले हमें लगता है कि मंगल सिंह साला हमारा दुश्मन है। अच्छा लेकिन आज हमें बहुत बड़ा भयानक सपना हुआ कि वो साला हमें रपटा रपटा के मार रहा है। सुनिए सरदार जी, लेकिन ठीक है मंगल सिंह तुम याद रखो, हम साले तुझे जिनी से मिटा देंगे। चलो चल करके देखते हैं वो साला मंगल सिंह है कहाँ। जी क्या बात है सर, कहो क्या बात से क्या बात सेरा। बहुत आज खुश हो, क्या बात क्या है मंगल सिंह? क्या हम तुमसे कुछ कहें? बोलो क्या कहना चाहते हो मंगल सिंह? ये साला हमारा दुश्मन है, लगता है नाग का जहरीला नांग ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं शेरा। अरे शेरा उठाओ मेरी बंदूक। मंगल सिंह क्या बात पिताजी क्या बात क्या? अरे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत मानते हो और मुझे बहुत प्यार मेरा करते हो, इसलिए मैं तुमको दिल से ज्यादा मानता हूँ। सच कहते पिताजी, तुमने मुझे बचपन से पाला है, माँ और पिता का प्यार दिया है, इसलिए
मंगल सिंह कहो क्या बात है। और मंगल सिंह सी में है तेरी मंगल सिंह। वाह करक सिंह वाह, कुत्ते हराम जादे, साले तू बाप है या साले माधरचोद गद्दार हो, साले तुमने मेरे धोखे से रिवाल्वर निकाल लिया। मंगल सिंह हाँ। मंगल सिंह तुम याद रखो, हम तुझे साले जान से मार देंगे। क्या मंगल सिंह तुम तो जानते हो तू साले हमारी सगी औलाद नहीं। क्या मैं तेरा सगा बेटा नहीं हूँ? तू तो एक रंगम किसान का लड़का था। क्या मैं वहाँ से साले तुझे उठा करके लाया था। मैं रंगम किसान का बेटा हूँ, इसका मतलब तुम मुझे उठा करके लाए थे और पाल पोस करके सहराय कर दिया है, इसलिए तो मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुमने मेरे बाप का फोन कर दिया है। मंगल सिंह खता तुम्हारी और काबिल रहे। मंगल सिंह खता तुम्हारी और काबिल रहे नहीं है, और तुझको यहाँ तुम खुद चले कर सकते हो। कड़क से वक्त आएगा, मैं तुझे जान से मार देता। मंगल कुत्ता हराम दिसंबर मिस्त्री राज्य पुण्यवासी मेला कमेटी ने 50 रुपए का पुरस्कार, और ये हमारे भाई साहब प्रहलाद कुमार कंपनी मालिक अलहिदापुर मेला कमेटी में 100 रुपए का पुरस्कार। भाई साहब को धन्यवाद। आगे बढ़ कौन साहब? हम डाकू नहीं है साहब। कौन है तू? हम यही क्या था व्यापारी हूँ साहब, मैं माल लिए जा रहा था, ये लोग डाकू हैं, मुझे मार डालना चाहते साहब। क्या तू व्यापारी है? जी हाँ साहब। और ये लोग तुझे मारना चाहते? ये डाकू है साहब, ये डाकू करक्सिंग है, ये उसका साथी है। क्या नाम है? अगर से बात था जी सर साहब, तो मैं तेरा नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम? आखिर तेरा नाम क्या है साहब? मुझे लोग हीरा कहते हैं, मोती, और मैं बहुत अभागा हूँ साहब। ये लोग मेरा नाम डाकू मंगल सिंह रख दिया, परंतु मैं डाकू नहीं हूँ साहब। इसका मतलब तेरे मजबूरी हालात ने? जी हाँ साहब। मुझे ठहर, अगर से बात है तो जा,
हीरा जी, आज मैं तुझे बख्श रहा हूँ तेरी जिंदगी को जी साहब। और यहाँ से जाने के पश्चात काश अगर तू इंसान है तो मेरी बात को गौर से समझ लेना। अगर जी असली मेरा नाम जानना चाहते हो तो मैं असली मेरा नाम मोती है। तेरा असली नाम मोती है? जी हाँ। अगर से बात है जी साहब तो मोती जी, मैं तुझे जीने का एक रास्ता और एक मौका और देता हूँ। बोलो साहब। जाओ और आज से तुम वादा करो जी कि कोई गलत धंधा और गलत काम नहीं करोगे। नहीं साहब, मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ मैं गलत काम कभी नहीं करूँगा। ठीक है, अगर से बात है जी। और जब भी तुम पर कोई चाय फंसे जी तो तुम फौरन इंस्पेक्टर सावन को याद कर लेना। इंस्पेक्टर सावन, मैं वादा करता हूँ कोई गलत काम नहीं करूँगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, हमारे दुश्मन को तुमने छोड़ दिया, ये अच्छा नहीं किया। लेकिन ठाकुर खड़ग शेख, शायद तू नहीं जानता है कि हमारे इस थाने की कितनी पुलिस तेरे पीछे परेशान है। और आज तक तू पुलिस के हाथ नहीं आया, लेकिन खड़ग शेख आज तो इंस्पेक्टर सावन के हाथ लग गया है। और इंस्पेक्टर सावन वो चीज है जो गड़ी हुई मूर्ति को तुरंत तुरंत कबूल करवा दिए। इंस्पेक्टर सावन, खैर रात तो तुम हो गए इससे हमें, क्योंकि अगर मंगल तुम नहीं आए होते तो मंगल सिंह को जान से मार देता है। और तुम कभी हमें हमारे हाथ हम नहीं लगते तुम्हारे। और ये तुम मत भूलो सावन, सावन तुम याद रखो, अगर मौत बन करके तुम चलोगे, तीर बनकर तुम चलोगे तो मैं हवा हो जाऊंगा, और रोग बनकर तुम चलोगे मैं अभी हैकड़ी और धाकड़ी तेरे लगे बहुत सड़ी के पुलिस तुम्हारी रियासत में है, फंस गए। फंस गए मादरचोद, और फिर साले एक अकड़ कर तो कही गई है कि साले रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई अभी तक। खड़ग सिंह, तुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं पुलिस वाला जरा दूजे किस्म का हूं। और जल्द थाना चलेगी तैयारी। राम विलास कश्यप यही के निवासी मेला कमेटी में 20 रुपए, हमारे भाई साहब राजेंद्र कुमार कनौजिया यही के निवासी मेला में 20 रुपए का धन्यवाद। हमारे भाई साहब सरोज कुमार राज यही के निवासी मेला कमेटी में 50 रुपए का पुरस्कार।